बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले ही लालू यादव का एक ऑडियो टेप सामने आया है, क्या कुछ है इस ऑडियो टेप में, सुनिए। तो साहब बात करें मैं माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी रुक जाइए सर, एक मिनट रुक के लाइन पे। हाँ दे रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कहाँ? हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा जी। हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात कर रहे जी। हाँ पासवान जी, बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो। हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का ऑब्सेंट हो जा तुम पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक, ऑब्सेंट हो जाओ। ठीक क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वोट कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था, हमको लगा कॉल तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया, उनको चरण स्पर्श भी किया ऐसे नाते, फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाई मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते, यही सब उन्होंने कहा भी आने का बहाना करो, ये करो तो बॉडी में स्पर्श किया तो सुन सकते हैं जो बात भी है। उस समय संजोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास नंबर बात पर ही था, हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया दिखाया तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में शॉर्ट था। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत की? वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया, वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन था, मैं उनकी आवाज पर ही था। तो क्या आप इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा जी, इसकी शिकायत भी कीजिएगा? हम बैठ के तय करें पार्टी फॉरम क्या होना चाहिए।